क्यों रॉक पहलवान को वापस बुलाया गया है। रोमन की पहले तो जय उसो ने वाट लगा रखी थी और अब रॉक आ गए। अब बेचारे रोमन की तो ऐसे मरवाते मरवाते सूझ जाएगी। आखिर WWE का प्लान क्या है रोमन और रॉक को लेकर? क्या पिछले साल जो रॉक ने स्टेटमेंट दी थी वो सच होने वाली है? मेरे भाइयों, रॉक की वापसी कई सारे सवाल के साथ हुई है। इस टाइम में रॉक का आना रोमन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जय के रॉ में जाने से रोमन ने चैन की सांस ली थी, तभी रॉक का कमबैक हो गया। और पिछले साल रॉक ने ऐसी स्टेटमेंट दी थी जिससे सारे WWE यूनिवर्स के फैंस काफी उत्सुक हो गए थे। रॉक ने एक साल पहले उस स्टेटमेंट में कहा था कि रोमन और मेरा रसलमीनिया में मैच प्लान किया जा रहा है और ये कोई WWE कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, ये हमारी मर्जी का फैसला है कि हम दोनों का मैच सबसे बड़े इवेंट में हो। और तभी से रोमन को WWE ने चैंपियन बनाए रखा, क्योंकि WWE जानती थी रॉक अपना वादा पूरा करने जरूर आएंगे, तो इसलिए आज तक कोई रोमन को हरा नहीं पाया और ना कभी रोमन का घमंड टूटा और हजारों दिनों तक उनका राज कायम रहा। लेकिन रॉक का आना रोमन के लिए खतरे की घंटी बनेगा, क्योंकि रोमन की पोजीशन को चुटकियों में खत्म करने की ताकत रॉक की बाजू में है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल है जो बार बार हमें तंग कर रहा है। रॉक ने कहा था हमारा मैच रसलमीनिया में लड़ने के लिए फिक्स हुआ था, लेकिन अभी तो रसलमीनिया में काफी टाइम है, तो क्या तब तक दोनों के बीच स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी? अगर ऐसा हो गया तो पूरे सोशल मीडिया में तहलका मच जाएगा, क्योंकि रॉक को रेसलिंग से दूर हुए काफी साल हो गए। अगर वो अब स्टोरी लाइन का हिस्सा बनते हैं तो सभी फैंस इस स्टोरी लाइन को बहुत प्यार देंगे। सभी जानते हैं रॉक अभी हॉलीवुड में काम करते हैं तो काफी बिजी होते हैं, तो मुश्किल है उनका रेसलमीनिया तक टिकना। लेकिन WWE भी ऐसे ही किसी भी इवेंट में रोमन का मैच फिक्स नहीं करी। और आज हम भी एक बात आपके साथ शेयर करते हैं कि रोमन अगर कभी अपनी चैंपियनशिप हारेगा तो वो रेसलमीनिया के रिंग में ही हारेगा, तो शायद अब WWE की ऑफिशियल टीम रॉक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है कि रेसलमीनिया आने तक तुम्हें रोमन के साथ स्टोरी लाइन में रहना ही पड़ेगा और रोमन के चुंगल से स्मैकडाउन को आजाद करवाना पड़ेगा। तो भाइयों, क्या लगता है, क्या रॉक रोमन को हराने में कामयाब होंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।